नमस्कार मित्रों, एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। इस समय आया हूँ खिड़किया घाट पे। खिड़किया घाट पे देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन ये हाथ कलाकारी किया गया है। इस घाट का नाम भी नमो घाट हो गया है। अभी तो नाम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से पता लगा है। और बताना चाहिए 35.86 करोड़ की लागत से बनाया गया है इस घाट का, और 11.5 एकड़ घाट को पूरा विकसित किया गया है। और कितना बेहतरीन घाट बनाया गया देख सकते हैं आप। जिस शाम का टाइमिंग है, अब वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट अपने वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। इसमें ड्रोन शॉट भी लिया हूँ, तो वो भी आप लोग एंजॉय करिएगा। देखिए जो शाम का टाइम है, तो पीछे जो देख रहे हैं कितना बेहतरीन व्यू पॉइंट आ रहा है। वीडियो अब देखिए आपको दिखा रहा हूँ, मैं शाही नाला दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पे जो काम चल रहा है खिड़किया घाट पे फेज टू का आगे, तो वही देखिए खिड़किया घाट पे देखिए नाला जो बह रहा है, शाही नाला जिसको बोलते हैं। कितना देखने तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं, पूरा पहले बहता था तो पूरा एकदम काफ़ी तेज बहते थे, थोड़ा पतला बह रहा है क्योंकि इसका भी काम चल रहा आगे। लेकिन देख रहे कितना काला काला हो रहा है पूरा, ये जा रहा है। देखिए देखिए तो दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कितना बेहतरीन अच्छा लग रहा है। काफ़ी साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है, और यहाँ पे डस्टबिन भी रखा गया है इस साइड में। और ये देखिए इस साइड में नमो लिखा गया, कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा बनाया गया इस प्रकार से। ये इस घाट पे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी आपको, और से नाव के लिए यहाँ पे सीएनजी लगाया गया कि जो भी बोट आएंगे यहाँ पे आपको सीएनजी में रिफिल होने के बाद सीधे निकल जाएंगी। देखिए इसे उधर बनाया गया है, और गाड़ियों के लिए एक ऊपर बनाया गया है वहाँ पे गाड़ियों के लिए। चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से। फिर सामने देख रहे हैं ये मालवी ब्रिज है। और यहाँ पे सामने देख रहे हैं फ्लोटिंग जेटिंग बनाई गई यहाँ पे, बेस्ट एक सेल्फी पॉइंट है ये भी। सामने देख रहे हैं जो ब्रिज है, ब्रिज पे लाइट भी जल गई है।
जो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आएंगे उनके लिए बनाया गया चुनार के पत्थर के बैठने के लिए कुर्सियाँ, जो कि कितना अच्छा लग रहा है। सामने गिरिश जी वनासी मौसमौला, देखिए यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आ रहे हैं सामने, देख रहे होंगे इधर घूमने के लिए। चलिए जो नमो बनाया गया वो दिखा देता हूँ आपको पास से चल के, इधर से इस साइड से। ये देखिए नमो घाट, थोड़ा सा घुमा के दिखा दे रहा हूँ आपको इधर साइड। और यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं सामने, देख रहे होंगे इधर इस साइड। यहाँ पे जितने भी पौधे हैं उनको पानी डाला जा रहा है यहाँ पे। चलो थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आपको ये। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ, इसका उद्घाटन होता है 1 महीने 1.5 महीने बाद इसका उद्घाटन होता है। चलिए ऊपर चलता हूँ, ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ का काम बचा हुआ इस तरफ का, और सामने देख रहे हैं गोवर्धन मंदिर है ये, इसकी भी काफ़ी बेहतरीन बनाव की गई है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। इस पर पेंट किया जाएगा यहाँ पे। इस साइड भी इसको भी पेंट किया जाएगा, इस साइड भी। देखिए यहाँ पे साफ सुथरा लिखा भी है कि कृपया गंदगी में कूड़ा सामग्री ही डालें, डस्टबिन जो बनाया गया उसमें ही डालें, कृपया यहाँ पे गंदगी ना करें। और यहाँ पे देखिए फूड कोटिंग बनाया गया है, दुकानें वगैरह भी रहेंगी। ये है हेरिटेज इंस्टॉलेशन, टाइम्स लाइन इंस्टॉलेशन बनाया गया है। ये कितना बेहतरीन लग रहा है ये भी फूड कोटिंग। और ये आगे इधर CNG बनाया गया, जैसे बताया था मैं आपको कि जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उनको रिफिल करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे लोग, इंडियन ऑयल। यह पानी पीने के लिए फिल्टर का भी लगाया गया है, और शौचालय भी बनाया गया है इधर, देखिए शौचालय लिखा भी है। ये वाराणसी स्मार्ट सिटी तक कार्य किया गया है, ये दिखा दे रहा हूँ आपको इधर। ये देखिए फिल्टर लगाया गया पानी नहीं पीने के लिए। ये देखिए महिलाओं के लिए शौचालय बनाया गया है, ये महिलाओं के लिए। और ये है पुरुषों के लिए शौचालय बनाया गया है। इधर फूड कोर्ट रहेगा पूरा, ये साइड रहेगा। देखिए बोझ में पूछा तो बता रहे हैं कि यहाँ पे टेंट बनाया गया है। ये अब शोर तो नहीं हूँ लेकिन आगे पूछता बताता हूँ फिर आपको पता लगेगा। तो अब देखिए इस साइड भी डिजाइन की गई है, इसको भी मैं कितना बेहतरीन बनाया गया घाट, मतलब एक नंबर घाट पूरा बनाया गया एकदम।
देखिए यहाँ पे सीएनजी है, ये है, यहाँ पे जितने भी टेम्पू हैं उस टेम्पू रिफिल करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। चलिए ये सीएनजी है, सीएनजी है, इस समय 65.98 प्राइस चल रहा है। पूरा ये घाट एकदम एक नंबर बनाया गया है। मैं ड्रोन शॉट भी लिया हूँ आधे किस घाट तक पूरा। ये आप लोगों को भी आसान हो गया ना इधर सेंजी हो गया तो जी बहुत आसान। कुछ कुछ बोलना चाहेंगे मतलब हमारे व्यूवर्स? हम लोग को आसान इसलिए हो गया कि तेल महंगा था, हाँ, सीएनजी हम लोग को सस्ता में मिलता है, प्लस इससे प्रदूषण से भी बहुत अच्छा नहीं होता मैं ये नहीं बोला, अभी तो ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये कि आप लोग काफी नजदीक हो गए घाट के पास ना। ऐसे तो मेरा घर काशी स्टेशन पे, हाँ। ऐसे हम भरवाने जाते थे भेलूपुरा। अच्छा। अब यहाँ हम लोग बगल में खिड़किया घाट है, अब यहाँ आ जाते 1 किलोमीटर ना, ऐसे हम लोग को जाना होता था 8-9 किलोमीटर दूरी पे जाना होता था। अब देखिए मैं पॉइंट भी लूंगा भैया से, देखिए काफी बेहतरीन बताए हैं, काफी नजदीक हो गया यहाँ पे जब से बन गया है, और 9 लोग के लिए भी यहाँ बना दिया है, काफी बेहतरीन हो गया है। तो देखिए ब्रिज दिखा दे रहा हूँ आपको, धन्यवाद भैया आपको बताने के लिए। तो वीडियो यही समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।